यह है कि जब सच्चाई है वो सच्चाई है, मुझे मुझे दिखता है कि इसके अंदर वो एक कुछ है जो आप उसको डिफाइन नहीं कर पाओगे और उसको वैसे ही रहना चाहिए। ये मेरा मशवरा है कि आप क्योंकि मैं आमने सामने साक्षात काम कर चुका हूँ ना, हम दोनों साथ में थे, देवेंदु और हम भी साथ में जी थे, मुझे दिखता है कि ऐसा कुछ है जो अनायास वो कर लेता है। आपको दिखता नहीं है कि वो कैसे किया कैसा क्यों हुआ। वो क्वालिटी तब आती है जब आप उस क्षण में आप रमे हो, उस वक्त ही आता है। तो वो काबिलियत है बाबिल के अंदर कि वो अपने आप को कम्प्लीटली ज़ीरो करके वहाँ पेश हो सकता है पूरा होमवर्क करने के बाद। बहुत मेहनत की थी हाँ, उसने। बहुत होमवर्क करें तो वो ही एक्टिंग का सार वही होता है कि अगर आप वो कर पाते हैं और उसको आप धीरे धीरे करके वो उसको, जो ज़रूरी नहीं है कि समझ लो आप 4.5 घंटे की सीरीज है, हो सकता है उसमें से कुछ ऐसे कुछ क्षण आए जो 30 सेकंड का हो या 1 मिनट का हो। हम उसी के लिए जीते हैं, हम उसी के लिए एक्टिंग करते हैं कि ऐसा कोई क्षण आए जहाँ पे हमको समझ में नहीं आया ये कैसे हुआ, तो वो उस स्तर तक पहुँच चुका है। तो मेरे ख्याल से वो जैसा है वैसा अगर वो कंटिन्यू करेगा तो एक क्षण बढ़ते जाएंगे। मैंने अपना काम देखा नहीं, रेलवे मैन एक्चुअली फर्स्ट टाइम मैंने देखी, मैंने देखा अपने आप को प्रॉपरली। लेकिन मुझे याद है बाबा जब पान सिंह तोमर का नेशनल अवार्ड लेके आए थे, तब मम्मा ने बोला था इधर आओ, कुछ नहीं उखाड़ा तुमने, बढ़ जाओ। देखिए तो मुझे अभी बहुत टाइम है, बट मैं अभी इस मोमेंट में बहुत खुश हूँ बस। बोलो, मैंने बट बस उसकी की बहुत रील्स तारीफ हो पढ़ी। रही है। आई हाँ थिंक लाइक उसकी बाबिल अनअवेयर है थोड़ा अपने, वो मुझे हमेशा बोलता है कि शिव आप ही बता दो कि कैसे मैंने काम किया, क्योंकि मुझे तो समझ नहीं है इस हाँ बात की। पर उसने आई थिंक बहुत अच्छा काम किया, और अभी सबने सीरीज देखी हुई है, आई या थिंक सब वाउच कर सकते हैं इस बात के लिए कि बाबिल ने बहुत अच्छा काम वेरी किया। एंड आई थिंक बाबिल मतलब ऐसा टैलेंट होने वाला है फ्यूचर में कि ही इज गोइंग टू बी अ टैलेंट टू वॉच आउट फॉर। वाह यू नो आई थिंक एवरी ही इज गोइंग टू बी अ टैलेंट दैट डायरेक्टर्स वांट टू वर्क विद। शिव, अगर मैं गलत नहीं तो ये यशराज की शायद फर्स्ट सीरीज है जी ये, जी जी और आदि चोपड़ा जी ने आप पे भरोसा किया, जी ये कितनी बड़ी बात है आपके। ये तो बहुत बड़ी बात है बाय इटसेल्फ। आई थिंक उन्होंने मुझ पे फेथ रखा कि शायद मैं ये सीरीज को लीड कर सकूं एज द डायरेक्टर, और अब ऑडियंस बताएगी कि मैं इसमें काबिल रहा है नहीं। ये आज मोबाइल के ज़माने में, तब सबसे बड़ी तकलीफ मेरे ख्याल यही आई थी कि कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था। ये जो जितने भी यंत्र हैं, जितने टेक्नोलॉजी वाले, जो वो दुधारी तलवार है, वो उसका इस्तेमाल आप किस तरह से करते हो उसके ऊपर निर्भर करता है। ऐसे मौके पर जहाँ पे इतराजदी हुई है वहाँ पे बहुत उपयोगी था। उस ज़माने में वो था नहीं मोबाइल फोन्स, ये मुश्किल से फ़ोन लगते थे। और ये कहानी और ये त्रासदी शायद एटलीस्ट जहाँ तक स्टेशन का सवाल है, ये नहीं होता अगर टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस होती करेक्ट, तो। हमको ब्लॉक करना पड़ता था, ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट पे करना पड़ता था। यस, तो ये सारी चीज़ें अब तो खैर अलग हो गया मामला। तो कम्युनिकेशन कम होने का एक अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है। जो अच्छी बात है आप जानते हैं कि वो लोग एक तरह से बहुत कमिटेड होते हैं कि आप 9 बजे आए तो 9 बजे आएंगे। उनको पता है कि नेक्स्ट थर्सडे डायरी में लिख लेते हैं, उसके बाद फिर कॉन्टैक्ट नहीं होती है। ये नहीं बोलते हैं मैसेज करके सॉरी आई एम लेट, ये नहीं होता। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इश्क अलग था उस वक्त, है ना, वो या सारी चीज़ें थी। तो एक प्लस अगर ट्रेन में जैसे हम कोई तो एग्जाम्पल दे रहे थे कि कभी कभी, हाँ आयुष बोल रहे थे कि उस ज़माने में कभी कभी लेट हो जाती थी गाड़ियाँ, ट्रेंडेड तो अभी तो हम उतावले हो जाएंगे या फिर फ़ोन पे लग जाएंगे उस वक्त ट्रेन के अंदर ही, वहाँ पे इंटरनेट वगैरह तब कुछ नहीं था। आप नज़ारा देख रहे हो, आप रुके हुए हो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपस में बातचीत और हो रही है, और बाहर देख रहे हो गाय गाय बकरी वगैरह। वो आप स्थिर हो, और स्थिरता ज़्यादा ज़्यादा मतलब हुआ करता था उस वक्त। अब आप बड़े व्याकुल उतावले क्योंकि टेक्नोलॉजी है आपके साथ। लेकिन ऐसे सिटुएशन में जहाँ पे भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ वहाँ पे काम में आता है। तो वहाँ पे इसलिए मैं कह रहा हूँ दूधारी तलवार है, ओवर कम्युनिकेशन ऑल्सो इज बैड।
एंड नो कम्युनिकेशन ऑल्सो इज बैड. तो जी हाँ बिल्कुल, मेरे ख्याल से ज्यादातर लोग इसीलिए मरे होंगे क्योंकि वहां पे कम्युनिकेशन का साधन नहीं था, क्लैरिटी नहीं थी कि कहाँ कुछ नहीं पता. इनफैक्ट दूसरों को तो क्या, जो वो लोग वहां थे उन तक भी कम्युनिकेशन नहीं पहुंच पाया. और मतलब बिल्कुल नहीं, जैसे सोशल मीडिया के थ्रू आज आप बता सकते हैं कि हम एक सिचुएशन में, प्लीज घर में रहिए या घर वापस चले जाइए. ये हमने कोविड में इसका प्रमाण देखा है, बट वो भी नहीं कर पाया उस टाइम. चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को, हम जल्दी आपके और अच्छे प्रोजेक्ट देखें. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. थैंक यू.